एवरीवन, मैं आपका प्रिंस हाजिर हूँ लेकर हमारा एक नया एपिसोड ट्रिक। इसमें हम जैसे कि हर बार एक ट्रिक दिखाते हैं या दो ट्रिक दिखाते हैं, सो दैट कि आपका जो कंपिटेटिव एग्ज़ाम है उस पे क्वेश्चन का हल करने में आपकी हेल्प हो सके। आज की हमारी जो ट्रिक है वो है परसेंटेज पे, और हम आपको आज दो एग्ज़ाम्पल दिखाएंगे परसेंटेज की, सो दैट कि आप समझ पाए किसको कैसे यूज़ करना है, परसेंटेज को कैसे यूज़ करना, सो दैट कि आपके समझ आ जाए कैसे हम यूज़ करके इजीली आंसर निकाल पाएँ, राइट। सो इससे पहले कि हम ट्रिक की ए भी देखें, उससे पहले हमारी तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी गाइस, एज इट इज़ ज़्यादा ज़्यादा शेयर, ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल, सो दैट कि आपके पास हमारी हर वीडियो पहले पहुँच जाए, राइट। एंड और भी लोगों तक शेयर कर दो, किसी का तो भला हो जाए, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, और अभी आप देखिए ये हमारी वीडियो। परसेंटेज, आज हम दो एग्जांपल लेंगे परसेंटेज की, सो दैट कि आप समझ पाए कि किस वर्ड को कैसे यूज़ करना है। जैसे कि हमने एक वैल्यू ली है 237,690, उसका हमने 12.5% निकालना है। सो 12.5% निकालने के लिए सबसे पहले 12.5 को ब्रेक कर लो, 10% प्लस 2.5%, तो ये 12.5 आ जाएगा। 10% 237,690 का निकालना हो तो एक जीरो माइन कम कर दो तो आ जाएगा 10%, तो वो आ गया 23,769। अभी 2.5% ऑफ 237,690 का हमने जो 10% निकाला है उसका, उसको हम अगर 4 से डिवाइड करते तो वो आ जाएगा 2.5%, राइट। तो वो आ गया हमारे पास 4942.25। तो हमारा टोटल जो आंसर आएगा 23,769 एक आ गया और 5942.25 एक आ गया, तो टोटल आ गया 29,711.25, राइट। दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, हमने एक वैल्यू ली 237,690, उसका 12.5% निकालना है। सबसे पहले 12.5% को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 10% प्लस 2.5%। 10% निकालना आसान हो जाता है किसी वैल्यू पे, लास्ट वाले डिजिट पे हमने एक पॉइंट निकालना था, वो ऑलरेडी ज़ीरो है सो वो निकल जाएगा, तो आ गया 23,769। और 2.5.5 ऑफ द वैल्यू जो है 237,690, हमने 10% निकाला था, 10 का 2.5 चौथा हिस्सा होता है, तो हमने जो 10% वैल्यू निकाली है 23,769, उसको 4 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 5942.25, और दोनों को ऐड करते हैं तो 29,711.25। हमने यहाँ पे अपने हिसाब से परसेंटेज को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। ये हमने यही देखना है कि परसेंटेज को किस तरह ब्रेक करके हमने हमारे हिसाब से यूज़ में लाना है। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं माइनस वाले में, सो दैट कि हम किसके अकॉर्डिंग हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक और एग्जांपल लिया है 1490 का, हमने 24% निकालना है। सो सबसे पहले हम 1490 का 25% निकालेंगे, जो हो गया 1490 का चौथा भाग, और 1490 के अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 372.5, ये आ गया 25%। अभी 25 में से 1% निकाल दे तो हमारा आ जाएगा 24%, और 1% हो गया 1490 का, 1% हो गया 14.9, राइट। दो 1% मतलब दो पे आके दशमलव लगाना है, और 372.5 से 14.9 को हम माइनस करेंगे तो 357.6 हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। इस एग्जांपल को दोबारा देख लें, हमने 24% निकालना है 1490 का, हमने 25% पहले 1490 का निकाला जो आ गया 372.5। अभी 1% हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया तो 1% हमने माइनस कर लिया, 1490 का 1% हो गया 14.9, तो आंसर हमारे पास आ गया 357.6, राइट। हमने पहले एक एग्जांपल देखी थी जिसमें हमने परसेंटेज को दो पार्ट्स में बांट लिया, 10 प्लस 2.5, और अभी हमने देखा कि अगर हम इसको 20 प्लस 4 में करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए हमने 25 माइनस 1% कर दिया। मतलब ये हमने अकॉर्डिंग टू हमारी सिचुएशन, हम कैसे हैंडी फील कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने खुद के अनुसार ढालना है, और हमने प्लस यूज़ करना है या माइनस यूज़ करना है ये हम पे है, राइट। आप अपने हिसाब से इसे ढाल लेना सो दैट कि आपके काम आ जाए, और आप रेगुलर इसे यूज़ करेंगे तो यू विल बी हैंडी।
राइट। थैंक यू।